कदी तड़फ दी कढ़ाई, ये यहाँ पे सारा फ्लेवर है भाई। ये ये और साथ में आ गई ये। मेरे हिसाब से फैसलाबाद में जो है ना, इससे बेहतर मिचली किसी की नहीं है। हिसाब लाल जो मैं हाथ ना जलेबियाँ कड़ता हूँ ना, हाँ जी, तो मेरा ख्याल है इन्ना डांस नरगस ने नहीं किया होना जिन्ना मैं किया जलेबियाँ कड़ते हैं। हूँ अल्लाह का शुक्र है मशीन बनाई है तो सुकून हो गया, वो आप ही डांस कर दी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। मैं हूं साकिब मुबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूं फैसलाबाद के अंदर, और यहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं रेक सिटी के अंदर। ये बहुत ज़्यादा बिजी एरिया है, यहां पे मोबाइल मार्केट है, और मोबाइल मार्केट के अलावा यहां पे खाने पीने का बहुत सारा सिस्टम चल रहा है। यहां पे दाल चावल मिल रहे हैं, पराठे मिल रहे हैं, टिक्कियाँ मिल रही हैं, समोसे मिल रहे हैं। और यहां पे आने की जो मेरी मेन वजह है वो यहां की जलेबी है, पीपल बाटा की। पीपल बाटा की जलेबी यहाँ से कवर करेंगे, बहुत डिफरेंट स्टाइल से वो प्लांट लगा के उन्होंने ऑटोमेटेड तरीके से उसको वो बनाते हैं। बहुत ज़्यादा नेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें गुंजल पड़े होते हैं। उसकी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती और खाने वाले उसको बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत चलती है, उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम जाएंगे घंटाघर वाले बाज़ार के अंदर, जहाँ पे आठ बाज़ार है, वहाँ पे हम जलंधर की फ़िश ट्राई करेंगे, और साथ में एक टकाटक वहाँ पे मिलता है पहलवान का बाटी गोश्त। आपने सुना होगा पहलवान का कढ़ाई गोश्त बहुत फेमस है, लेकिन हम उसे टकाटक जाकर ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरी मालूम के मुताबिक उसका टकाटक भी बहुत ज़्यादा लजीज होता है और मज़ेदार होता है। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले पीपल वाटा पर चलते हैं। इसकी लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल, आप गूगल पर भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये है मेन सत्याना रोड, ओके, मेन सत्याना रोड के ऊपर चेज़ब के बिल्कुल सामने जो रोड बाज़ार अंदर आ रहा है, रेक सिटी की मार्केट है। यहाँ पे ये खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए हैं, यहाँ पे ये बिरयानी शिरयानी भी मिल रही है, बनू बीफ पुलाव भी मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर जब जैसे आप इस बाज़ार के अंदर एंटर होते हैं, तो आपके लेफ्ट साइड पे ये छोटा सा सेटअप है, पीपल बाटा की जलेबी। ये सेटअप इनके पास चल रहा है, ये जलेबी इनके पास बना रहे हैं, और ये माशाल्लाह के पास रश भी काफ़ी लगा हुआ है, इनके पास चलते हैं। ये वर्जन जलेबी का ये प्लांट है, इनके पीछे प्लांट बना सारा, यहाँ से बाइक कनेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर जाइए जलेबी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र भजन। हाँ जी, किस तरह किलो है ये? वक्त की नज़ाकत दे नाल सर 1000 रुपये किलो। पहले पहले सस्ती सी? ज़ाहरी बात है जी, पहले बहुत सस्ती सी, अब जदों के मुल्क के हालात चेंज होए उदों के सारे ने वक्त पै गया। हर चीज़ से बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता हर चीज़ की महंगाई ज़्यादा वधी है, कोई भी चीज़ जी अपनी जगह पर नहीं है। बहू जी बस कढ़ाई अपनी जगह पर है, कढ़ाई भी सैट करनी पैंदी है, अपनी जगह पर वैसे नहीं आती है। ठीक हो गया। ये मेरे वाल साहब ने 1960 में शुरू किया काम। अच्छा जी, पिपल का दरखत हों। अच्छा, पिपल के दरखत के थले रेहड़ी के उत्ते जलेबियाँ लाते होंगे सी उदू। अच्छा जी, बाटा कितों आया? तो कोई वाल साहब दस दे भी 15 साल बाद ना पिछे बाटा की दुकान बनी, पहले लोग पिपल वाले कहते सी, फिर नाल बाटा वाले भी कहन लग पे, ये साडा कुदरती नाम बनया पिपल बाटा। हाँ जी, मेरे वाल साहब ने जलेबी तैयार की सी बरीक डिफरेंट। अच्छा, उस तो बाद यह है कि ये जिद्दत वक्त की नज़ाकत नाल लै आए हैं। तो किन्ने बजे शुरू कर दो? असीं तकरीबन शाम 5:30-6 बजे शुरू करी दा। हिसाब लाल जो मैं हाथ ना जलेबियाँ कढ़ता हुंदा सी ना, हाँ जी, तो मेरा ख्याल है इन्ना डांस नरगस ने नहीं किया होना जिन्ना मैं किया जलेबियाँ कढ़दे आ। हूँ अल्लाह का शुक्र है मशीन बनाई है तो सुकून हो गया, वो आप ही डांस कर दी देंदी है। मैं दस्या नहीं मुंडे ने, तो मैं पूछ ही लवा। हूँ बाल साहब ने जो स्टार्ट काम शुरू किया सी ना, उदू 2.5 रुपए किलो देसी घ्यो की जलेबी विकती सी। 2.5 रुपए किलो तो स्टार्ट किया सी। अच्छा जी, हूँ इस टाइम मुल्की हालात के हिसाब के नाल वक्त की नज़ाकत नाल, वक्त की नज़ाकत ला लो, तो वक्त इस तरह का आ गया कि हूँ घ्यो आ 1000 रुपए किलो बारे भी जरा ना, वो भी बड़ी मुश्किल। देसी घ्यो नहीं बना सकते? देसी घ्यो अजकल घर खाने नहीं लगता, तो वह बनाई है कितों?
ਕੀ ਕਰ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੜਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸ਼ੁਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਗਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਲੇਬੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਸਕੀ ਸਭਸੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਬਰੀਕ ਜਲੇਬੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਬਰੀਕ ਹੋਗੀ ਉਤਨੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋਗੀ ਉਤਨਾ ਸ਼ੀਰਾ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਜਾਏਗਾ ਉਤਨੀ ਇਹ ਕਮ ਮਿੱਠੀ ਰਹੇਗੀ ਤੋ ਯੇ ਇਸਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਨੈਸਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਯਹੀ ਇਸਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਯੂਨੀਕ ਇਸਕੀ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਓਏ ਭਾਈ ਯੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਇਸਕੋ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੇਬੀ ਹੋਤੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੇ ਜਾਤੀ ਜਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕ੍ਰੰਚੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸੋਗੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸੋਫਟ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਫਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਸੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੈਸੇ ਆਪ ਮਿੱਠੀ ਨਿਮਕੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਤਨੀ ਕ੍ਰੰਚੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਭਾਈ ਜਲੇਬੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰਗੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸਕੋ ਜੋ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਜੋ ਕਚਰਾ ਜੋ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਬਚਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਕੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੋ ਸਾਈਡ ਮੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈਂਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਖਾ ਲੇਤੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸੇ ਉਸਕੋ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਝੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਕਸਟਮਰ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਘੰਟਾ ਘਰ ਕੀ ਤਰਫ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹਮ ਮੱਛੀ ਔਰ ਟਕਾ ਟਕ ਟਰਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਭੀ ਹਮ ਆ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਾ ਜੋ ਫੇਮਸ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣੇ ਕੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈਟਅਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਹਮ ਬਵਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਏਂਗੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਟਰਾਈ ਕਰੇਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਫਿਸ਼ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਉਸਕੋ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਕਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਟੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫੇਮਸ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੀ ਕੜਾਈ ਵਾਲਾ ਉਨਸੇ ਹਮ ਟਕਾ ਟਕ ਟਰਾਈ ਕਰੇਂਗੇ ਅਭੀ ਘੰਟਾਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਾ ਫੇਮਸ ਘੰਟਾਘਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਾ ਜੋ ਘੰਟਾਘਰ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਠ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲੈਗ ਬਣਾ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਆਠ ਡੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਟਾਰ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਆਠ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਔਰ ਇਨ ਆਠ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸਕੋ ਘੰਟਾਘਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੇ ਏਰੀਆ ਅਭੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੰਗ ਰੋਡ ਪੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਪੇ ਆਪਕੋ ਘੰਟਾਘਰ ਅਭੀ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੇ ਪਾਸ ਯਾਰ ਇਹ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਯੇ ਹੈ ਕੀਮਾ ਹੈ ਇਹ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਔਰ ਇਹ ਇਨਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਭਜਨ ਹੈਵੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਕਾ ਸੈਟਅਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਦੂੰ ਇਸਕੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘੰਟਾਘਰ ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਆ ਰਹੀ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੰਗ ਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਔਰ ਯਹੀਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਇਲਾ ਚਾਏ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਬ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਥਾ ਉਦੋਂ ਕੋਇਲੇ ਵਾਲੀ ਚਾਏ ਮੈਂਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀ ਚਾਏ ਸੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੋ ਉਸਕੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੀਜੀਏਗਾ ਤੋ ਇਸ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਆਪ ਐਂਟਰ ਹੋਤੇ ਹੋ ਆਪਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਯੇ ਹੈ ਜੀ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੜਾਈ ਗੋ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਚਲਤੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਕੜਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਜਨ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਸੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪਸੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰਚੀ ਪਹਿਲੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਬਾਟੀ ਨੂੰ ਛੇਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨਾ ਜਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਜਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਨਾ ਜਾਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੜਾਈ ਕੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇਨਕਾ ਗੋਸ਼ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬਣ ਰਹਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸੇ ਬਣ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਅਭੀ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਨਕਾ ਮਗਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆਏ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਵੇ ਪੇ ਦਿਲ ਮਗਜ਼ ਗੁਰਦਾ ਕਪੂਰਾ ਔਰ ਕੀਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੀਮਾ ਚਾਂਪ ਚਾਂਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟ ਇਸਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਲੇਟ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਪਲੇਟ ਦੋ ਲੋਕ ਲੋ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਦੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਕੇ ਲਈ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲਈ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲਈ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਲੱਗੇ ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਇਓ ਦਿੱਲੀ ਹੋਤੀ ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਗਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ
हाँ जी हाँ जी। तो कलेजी क्या होती है? वो भी तिल्ली होती है? नहीं नहीं, वो तिल्ली नहीं, वो कलेजी होती है। तो कलेजी क्या होती है? दिल का, जिसको बोलते ना। नहीं नहीं, आप मजा नहीं आया। लो जी, हमारा नहीं मतलब बकरे का गुड़वा आ गया। इसमें आपने कपूरा नहीं डालना? नहीं डाला जी। ठीक हो गया। जो चीज़ मकरू है, मकरू है, तहरीमी है, वो हम नहीं खाएंगे भाई। तो ये लहसुन अदरक का पानी है जी। ये आ गए जी गुड़दा इसके अंदर। ये जनाब टमाटर, प्याज, अदरक और मिर्चें आ गई हैं इसके अंदर। नमक आ गया, ये दम लग गया। ये तैयार हो रहा है, मैं उधर चेक कर रहा हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ये मटन कढ़ाइयाँ बन रही है सारी? अच्छा, मछली मटन मछली। अच्छा, मटन मछली, मटन मछली। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मछली की कढ़ाई बकरी बनाते हो? हाँ जी, बकरी बनाते हैं। वो कितने दी है? 3400 किलो जी। 3400 रुपये किलो। अच्छा, 600 बढ़ गया? बढ़ गया। ठीक हो गया। ये कीमा जी? कीमा जी। अच्छा, कीमा हाथ वाला? हाथ वाला जी। मज़ेदार काम में पाए। कदी तड़फ दी कढ़ाई? क्या बढ़िया दो बनाए। डेफिनेट बात है कि कढ़ाई बहुत आला, मैं देखे बगैर मतलब खाए बगैर था, बहुत आला कढ़ाई भाई। लो जी, दम लग गया है। चाचा जी, एक गल है, वैसे हाथ ताड़ा बहुत साफ है माशाल्लाह। आ मगज भी पाता है? हाँ जी। आ कीमा भी डाल दिया हाथ वाला? ये आ गया जनाब दही, अदरक और मिर्चें, दम। लो जी, ये हमारे सामने आ गया है टकाटक, इनका स्पेशल जो कीमा डलवा के हमने बनवाया है इसके अंदर। ये घंटा का, ये पहलवान बाटी गोश्त वाला, कढ़ाई गोश्त वाला, ये मैं और ये हमारा खाना। ये चेक करो, उमर भाई के साथ आने का ना ये फ़ायदा होता है, उमर भाई का हर चीज़ का गुर पता होता है। लास्ट में जब मैं आया था तो इन्होंने ऊपर दही डलवा दिया था हलवा पूड़ी के ऊपर, और वो क्या कमाल चीज़ बनी थी। इस दफ़ा इन्होंने रोटी के ऊपर फ्राई करवा लिया और रोटी का बर्गर बनवा दिया इन्होंने, अंदर कीमा रखवा के। ये आर्ट आपके पास ही है भाई। ये यार रोटी फुल मसाले वाली है, यहाँ खाली रोटी में बड़ा कमाल का फ्लेवर होगा। एनीवे, इसको ट्राई करते हैं यहाँ से। अगर आप कीमा ज़्यादा करवा रहे हैं ना इसके अंदर, तो गुर्दे का फ्लेवर नहीं आएगा। गुर्दे का फ्लेवर बहुत माइल्ड होता है और बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर होता है उसका, आयरन टाइप का फ्लेवर आता है, जैसे आयरन नहीं होता मतलब उस तरह का डिफरेंट सा फ्लेवर होता है। और साथ मगज़ का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए कीमा थोड़ा सा डलवाना आपने। ये इसको ट्राई करते हैं, पहले इसकी सिंपल बाइट है, बाद में इसकी ऑप्टिमम बाइट बनाएंगे इंशाल्लाह। इसमें लगवाना बाइट। बहुत कमाल यार। सबसे मज़े की बात में ये है, रोटी के ऊपर डला हुआ है, मतलब कि ये ड्राई है। बहुत सारी जगहों से ऐसा मिलता है वो बिल्कुल ग्रेवी बन चुकी होती है, चाहे वो मक्खन में बनाए, चाहे घी में बनाए, चाहे देसी घी में बनाए, लेकिन वो ग्रेवी सालन बन चुका होता है। ये खड़ा कीमा जैसा, खड़ा कीमा होता है ना, खड़े कीमे की तरह, और कीमे वाले ही वाइब्स आ रही है, कीमे का ही टेक्सचर है इसका, इसलिए हर चीज़ का फ्लेवर अलग अलग इसके अंदर आ रहा है। सारा जो कमाल ना काली मिर्च का इसके अंदर यार, बहुत ज़्यादा चीज़ है ये। और रोटी जो ना, रोटी के अंदर भी फ्लेवर जा चुका हुआ है, बहुत एक कमाल किस्म की बाइट बन रही है इसमें, बहुत अलग है। हाथ वाले कीमे का ना फ्लेवर अलग होता है, मशीन वाले कीमे का फ्लेवर अलग होता है। अगर आपने गोश्त का सही फ्लेवर लेना कीमे के अंदर, तो हाथ वाला बनवाएं, लेकिन बनवाएं इस तरह से कि उसमें चिचड़े ऐड हो, जो चर्बी और चिचड़े ऐड हो जाते हैं ना उसके अंदर, उसकी वजह से कीमा ख़राब हो जाता है। बहुत सफाई करवा के, गोश्त अच्छा साफ़ करवा के हाथ से कीमा बनवाएं, उसको खाएं, अगर सही कीमे का मज़ा लेना तो बहुत अलग चीज़ें आ रही है। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ टकाटक फ्रॉम पहलवान। यहाँ से आएगी जी रोटी, यहाँ से लेंगे थोड़ा सा सालन, ये हमारा सालन आ गया। इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा प्याज, ये इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा लीमू, ऐसे थोड़ा सा आ जाएगा इसके ऊपर दही वाला रायता जो साथ इन्होंने दिया। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ पहलवान, कढ़ाई गोश्त वालों का टकाटक मटन कीमे के साथ। फैसलाबाद के लीमू में कुछ है, लीमू डाल के ना चीज़ ही अलग हो जाती है। पूरी बाइट में सबसे ज़्यादा मज़ा कराया ना वो दही ने करवाया, दही बहुत कमाल है यार इनका। अगर आप यहाँ पे आते हैं, कढ़ाई गोश्त आपने ट्राई किया होगा, ये अगर आपने ट्राई किया ना भाई, एंड है। और टोटल क्रेडिट गोज़ टू उमर भाई,
भाई आप, मैं आपको ना पहले भी मानता था, मैं आपको आज बिल्कुल मान गया भैया। नेक्स्ट लेवल फूडी होता है बंदा वो भाई, ऐसे चीज़ें खेल खेल के फ्लेवर निकाल दे चीज़ों से। बाजलो ये रोटियों वाला आइडिया बड़ा कमाल है यार आपका। अब वो जो नीचे वाली रोटी है ना यार, वो ऊपर वाली जो रोटी है ना, ये देखो जो ऊपर वाली रोटी है ना, इसमें तो हल्का सा टच था, लेकिन सारा सालन इस टाइम ऊपर नीचे वाली रोटी के ऊपर पड़ा हुआ है, और जो नीचे वाली रोटी के अंदर फ्लेवर होगा ना, वो बहुत ही अखीर होगा यार। यार ये जो नीचे वाली रोटी थी ना, मैं आपको कह रहा था ना नीचे वाली रोटी में सही फ्लेवर होगा, ये नीचे वाली रोटी है, चेक करो ये यहाँ पे सारा फ्लेवर है भाई। ये ओ थोड़ा सा घी ज़्यादा, लेकिन क्या फ्लेवर है यार। अगर आपने यहाँ पे खाना ना नीचे रोटी के ऊपर रख के, नीचे रोटी पे कीमा खा के फिर आपने खाना है, अगर आपने पैक करवाना है नीचे रोटियाँ रख के ऊपर कीमा लगा के फिर पैक करवाना। यार कमाल किस्म का जो है ना ये टकाटक था, बहुत कमाल। एक भी एक चीज़ इसमें ये होगी कि इसमें कीमा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, कीमा ज़्यादा होने की वजह से गुर्दे का फ्लेवर थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन भाई बहुत कमाल चीज़ है। काली मिर्च जो तड़का लगाया ना ऊपर वो, और जो रोटी थी चौपड़ी गई है पूरी घी के साथ, उसका फ्लेवर बहुत आला था। अगर आप यहाँ पर आते हैं भाई, ये डेफिनेटली ट्राई करने वाली चीज़ है। अभी हम जा रहे हैं जलंधर हाउस, जलंधर फिश वालों के पास, उनकी फ़िश ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो सीज़न नहीं था, और सीज़न ना होने के बाद थोड़ी सी फिश मैंने ट्राई ज़रूर की थी, लेकिन अब चूँकि सीज़न स्टार्ट हो रहा है और इस टाइम वहाँ पर रश लगा हुआ था काफ़ी, उनके पास सिस्टम अच्छा चल रहा है उनका, तो अभी वहाँ से जाकर उनकी फ़िश ट्राई करते हैं एक दफ़ा फिर से घंटाघर। और हम जा रहे हैं भवाना बाज़ार। ये जो है ना घंटाघर, ये जो है ना, अभी यहाँ से हम आए जंग बाज़ार से, यहाँ से हम बाहर आए हैं, और अगला जो बाज़ार है ना ये भवाना बाज़ार है। इसके एंड पे वो देसी मुर्गे वाला भी बैठता है बिल्ला, और इसी रोड पे हम आगे जाएंगे तो जलंधर फिश वाला हमारे पास आ जाएगा, उनके पास चलते हैं भाई। मतलब हम जलंधर फिश वाले के पास पहुँच जाएंगे, उसने थोड़ी आना मारता, ऐसे ही है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। यार ये जनाब ये बाज़ार पूरा इधर ना, ये सारा ये अनारकली भी से बोलते हैं ना, अनारकली भी यहीं पर है ना ये, यहाँ पर सारे लेडीज़ का गारमेंट्स का सामान है सारा। यहाँ पर भी ना खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं। ये देखो जूस शूस चल रहा है यहाँ पे, ये मौसमी, ये चकोतरा है, ग्रे फ्रूट चकोतरा मौसमी का जूस है यहाँ पे। और यहाँ पे चपले छपले हैं, पूरा बाज़ार है माशाल्लाह। उसी बाज़ार में आगे के चलते चलते आ गए हैं, और ये जो है ना ये साइड पे ये माशाल्लाह इन्होंने बारबेक्यू ग्रिल फिश भी चल रही है, और इनके पास जो है ना दूसरी फिश भी चल रही है। वो भाई अंदर बैठे हैं जो हमें पूरे वाली वीडियो में मिले थे। और ये जो है ना बाहर जो है इनका फिश ग्रिल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, ये कौन सी मछली है? ये काला रोहू है। काला रोहू है, दोनों ये बाम है। अच्छा वो बाम है, ठीक है ठीक है। तो ग्रिल किस तरह देते हैं आप, ग्रिल का रेट क्या है? ये 1300 रुपए किलो बाम रोहू है काला, बाम 1400 रुपए किलो, रोहू 1200 रुपए किलो। रोहू 1200 रुपए किलो। सोल का टिक्का जो होता है वो 2600 रुपए किलो। सोल का भी टिक्का होता है, वो भी ग्रिल करते हैं? हाँ जी ग्रिल। अच्छा सही सही, ये माशाल्लाह। ये बगैर बेसन वाली है, ये बेसन वाली है, बेसन वाली है ये। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। अवैस भाई, अवैस भाई ये सीजन में ही शुरू करते हैं, सारा साल चलती है आपके पास? सारा साल होती है। लेकिन अच्छा एक मुझे बात बताएं, कहते हैं फिश का जो फ्लेवर है ना वो सीजन में ही आता, ये गलत क्यों है? ये गलत बात है। अच्छा ये गलत बात है, पूरा सीजन फिश का टेस्ट आता है। जब से पार्टीशन हुई है तब से ही है। अच्छा फौरन आते हैं यहाँ पे शुरू कर ले। तो जलंधर आपका ये? हाँ जी इंडिया से। आपका ताल्लुक भी इंडिया से ही है? हाँ जी जलंधर से हैं आप? जी सही ठीक है। तो कौन कौन से फिश है हमारे पास? रोहू होती है, बाम होती है कांटे वाली बगैर कांटे के, सोल फिश होती है, फिंगर और टिक्का टाइप में बनाई होती है, और उसके अलावा इस साल हमने चिकन की आइटम भी शुरू की। आपने बताया कि प्रॉन्स भी है? हमारे सामने जो है फिश आ गई है, ये रोहू मछली है इनके पास, इनकी रोहू मछली है बेसन वाली फ्राइड, दूसरी इनके पास ग्रिल होती है, ग्रिल में इनके पास बाम और बाम होती है और रोहू होती है।
और लेकिन हमने इनसे पिछले वाली मंगाई है फ्राइड में, और दूसरी जो चीज़ है ये बोनलेस फिश है, ये बोनलेस सोल मछली है ये। लास्ट टाइम जब मैं इनके पास आया था तो इनके पास सिर्फ ये सोल थी और मैं इससे ट्राई करके चला गया था, लेकिन पूरी प्रॉपर इनकी मैं फिश ट्राई नहीं कर सका था क्योंकि उस टाइम सीज़न नहीं था, और इस बार सीज़न है तो मैं कहा सीज़न में जब आएंगे तो प्रॉपर इनसे फिश ट्राई करके जाएंगे। तो पहले थोड़ी सी बोनलेस ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद की रोहू की बाइट ले लेंगे। चला तो सिंपल मछली ट्राई करते हैं पहले बिस्मिल्लाह। हाँ कमाल, इसमें दो चीज़ें मजेगी। बाजू का ऐसा होता है कि आप कहीं ना मछली खाते हैं ना, उसमें एक चीज़ अच्छी होती है, या तो उसका फ्लेवर मछली का अपना फ्लेवर अच्छा होता है, या फिर जो मसाला लगा होता है वो अच्छा होता है। मसाले का फ्लेवर अच्छा होगा तो फिश का फ्लेवर नहीं आता, फिश का फ्लेवर अच्छा हो तब होता है जब मसाले का फ्लेवर लाइट होता है। इसके मसाले का फ्लेवर भी स्ट्रॉन्ग है और फिश का अपना फ्लेवर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों का अपना मज़ा आ रहा है इसके अंदर, बहुत अलग चीज़ें आ रही है। कमाल, ये चटनी इनकी है खुबानी वाली ये, और ये स्पेशल इनकी हरी चटनी है, ये मिर्चों वाली और पुदीने वाली चटनी है, दोनों में मिक्स करके इसको ट्राई करते हैं। अल्टीमेट जो खुबानी वाली चटनी है यार, बहुत अलग चीज़ है। नाउ कम टू द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये है जी रोहू मछली। ओए होए क्या कमाल चीज़ें आ रही है, बहुत आला माशाल्लाह। टेक्सचर देखने में नज़र आ रहा है ना, बाहर से फुल क्रिस्पी है ये पकौड़े की तरह, ये देखो फुल क्रिस्पी है ये देखो, और अंदर से फुल सॉफ्ट है ये। हल्की स्मेल है मछली की, हल्की सी, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट स्मेल है, जैसे हमक होती है ना वो चीज़ नहीं है, जैसे आप महक कहते हैं वो चीज़ नहीं है, देखो ओवर फ्लेवर है इसके अंदर, देखो बहुत ज़्यादा यार, बहुत कमाल चीज़ है यार। मेरे हिसाब से फैसलाबाद में जो है ना इससे बेहतर मछली किसी की नहीं है, और मछली की अच्छी खूबसूरती ये होती है कि एक कोकोनट की तरह टूट जाए, तो आप इसको तोड़ें तो एक कोकोनट बिल्कुल जैसे भर जाता है ना उस तरह से भर जानी चाहिए। ये देखो इसकी ये अलग अलग हो जाती है चीज़ें, ये अच्छी मछली होती है, फ्रेश होती है और फ्लेवर वाली होती है। इसको अब जो है ना दोनों चटनियों में ट्राई करते हैं, अरे ये जो है ना यहाँ थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगाते हैं ये, और साथ में आ गई ये, ऊपर से क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट है, मसाले का फ्लेवर भी स्ट्रांग है और अंदर से फिश का अपना फ्लेवर भी बहुत स्ट्रांग है। तो सारा कमाल जो है ना मैरिनेशन का, मैरिनेशन और कुकिंग दोनों बहुत कमाल है यार इस मछली की, बहुत अलग है यार, बहुत कमाल मछली है भाई है। अगर आपने फैसलाबाद में मछली खानी है ना तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट फिश इन फैसलाबाद। और एक बात इनके बारे में भी पता लगी कि इनकी इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है, पहले इनकी ब्रांच थी कोहिनूर सिटी के अंदर, लेकिन अब इस साल इन्होंने ख़त्म कर दी है और इसकी इनकी सिर्फ यही ब्रांच है, और यहीं पर आपको आई गेस के यहीं पर आपको टेस्ट मिलेगा। तो अभी ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दिस इज़ माय इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना, आपसे कब से होती है मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।